दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फोफाइव में। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने अलराजी अकाउंट से सऊदी में किसी भी बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपको दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, किसी को अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो पैसे हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने अकाउंट से, सऊदी में अपने अकाउंट से किसी भी लोकल अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें आ जाना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद हमको अलराजी ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अलराजी ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए अलराजी ऐप का आ गया, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड क्विक लॉगिन का, ठीक है। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना चाहते हैं, पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप क्विक लॉगिन पे करेंगे तो यहाँ आपको 5 अंक का, जो आपने क्विक लॉगिन का पासवर्ड बनाया होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपके पास ये तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओपन हो गया। अगर मैं लॉगिन से करता यहाँ से, तो लॉगिन से करने के बाद मेरे पास एक पासवर्ड आता, लेकिन मैं क्विक लॉगिन से करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड नहीं आएगा। जैसे मैं क्विक लॉगिन पे कोड नंबर 5 नंबर का डालूँगा, अपने आप ओपन हो जाएगा, फिर मुझे कोड नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको करना क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लोकल बेनिफिशरी, ठीक है। तो हमको इस पर क्लिक करना है, लोकल पर, ठीक है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया मेरा नाम, ठीक है। तो हमको इसी पे क्लिक करना है, जो यहाँ पर है हमको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पैसे डालने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 75,000 डेली लिमिट है कि आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर डालना है अमाउंट। मैं अमाउंट ऐसे डाल देता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर डालूँगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अमाउंट, और यहाँ पर लिखा सिलेक्ट पर्पज, तो हमको सिलेक्ट पर्पज पे क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल में। उसके बाद हमको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बैंक अलबिलात की पहले से ऐड कर रखी है बेनिफिशियरी, ठीक है। तो हमको इसी पे क्लिक करना है। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी, मेरी वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि हम बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सरिया की है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, नाम, जिस अकाउंट में भेज रहे हैं उसका आईबीएन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए वैट इसका लग रहा है 58 हलाला, ठीक है। इसकी फ़ीस जो है 58 हलाला है, ठीक है। यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं, मैं इसको जब कन्फर्म करूँगा यहाँ से, अब मेरे पास एक OTP आएगा। OTP आने के बाद मुझे इसको अलाउ कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी मैंने अलराजी से बैंक अलबिलाद में पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 10 रियाल अभी ट्रांसफ़र किए हैं, 10 रियाल मेरे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्रूव, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा है, कितने पैसे, टाइम, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप जिसके में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर आप उसको यानी कि मैसेज भेजना चाहते हैं कि मैंने आपके पास पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा PDF, PDF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास इस तरह का रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से इसको, या तो शेयर कर दें आप, ठीक है। जिस पे भेज रहे हैं उसके पे, ईमो पे, व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ये मेरा बैंक अलबिलाद का मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इनकमिंग फ़ंड ट्रांसफ़र लोकल अलराजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी जो ट्रांसफ़र किया था वो मेरे बैंक अकाउंट में पहुँच गया, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बैंक अलबिलाद का ओपन करके कि वो बैंक अलबिलाद में मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर बैंक अलबिलाद का जो ऐप है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा SMS से,
फोर डिजिट का। यहाँ पर देखिए ये OTP आ गया। मैं इसको चाहूँ तो नंबर से भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अलाउ कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसे अलाउ कर दिया। अब ये देख सकते हैं मेरे अकाउंट में मैंने 10 रियाल अभी ट्रांसफ़र किए, ये मेरे अकाउंट में 10 रियाल आ गए हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट ट्रांसफ़र किया, जैसे वैसे मेरे अकाउंट में ये देखिए पैसे ट्रांसफ़र हो सके। तो आप इस तरीके से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी है आप मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैंने बताया उसमें कि बेनिफिशियरी लोकल बेनिफिशियरी या इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, जो भी आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी है उसमें जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।